हेलो गाइज, वेलकम टू निर्माणा क्लासेस। मैं हूँ पंकज। तो हम लोगों ने लगभग इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी हमारा 2022 में जितना भी न्यूज़ था उसके बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमने एटलीस्ट 8-9 वीडियो डाल चुके हैं इन्वायरमेंट पे। ठीक, पॉलिटी में भी हम लोग काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख लें, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ेंगे कि और जितने भी रिलेटेड न्यूज़ और कॉन्सेप्ट्स हैं 2022 में, कौन कौन सी न्यूज़ थे और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर पॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा चैनल भी नया है, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हुआ है कार्बन न्यूट्रल पंचायत। कार्बन न्यूट्रल पंचायत, जम्मू में एक गाँव है पल्ली। ठीक है, जम्मू में एक जगह है पल्ली, वो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहने का क्या मतलब है कि वहाँ पे जितना कार्बन का एमिशन हो रहा है उतना कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन भी हो रहा है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, बैलेंस बिटवीन इमिटिंग कार्बन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन फ्रॉम द एटमोसफेयर इन कार्बन सिंक्स। कि पल्ली के लोग जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहे हैं उतना ही वो एटमोसफेयर से कार्बन को क्या कर रहे हैं, सिंक भी कर रहे हैं। तो नेट क्या हो गया, जीरो। जितना वो प्लस कर रहे उतना माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का सबसे पहला जो जगह है पल्ली वो न्यूट्रल पंचायत बन गया है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रीलिम्स में आ जाए। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर एंड देन स्टोरिंग इट। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर से हटा के फिर आप उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में यूज करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नेक्स्ट अब क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। अब हम टिपिंग पॉइंट्स के बारे में जानें कि टिपिंग पॉइंट्स एक्चुअली होता क्या है। टिपिंग पॉइंट एक्चुअली कुछ नहीं है, यहाँ देखिए, पॉइंट्स वेयर एनी स्मॉल चेंज कुड पुश द अर्थ सिस्टम इंटू एब्रप्ट और इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जैसे एक होता है ना, कभी कभी हम लोग साइंस में पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड, किसी भी चीज़ का थ्रेशोल्ड होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हुआ, ठीक है, तो बहुत ही उसका इफेक्ट जो होगा बहुत ही गंदा होगा। ठीक, तो उसी तरह से इसमें टिपिंग पर हमारे जो वर्ल्ड हैं, हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, वहाँ पर टोटल 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं। कौन कौन है देखिए, सबसे पहला है आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट। पहले ऐसा नहीं होता था कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में कभी सूखा देखने को मिले, लेकिन अभी हमें क्या, अभी हमें फ्रीक्वेंट ड्राउट्स देखने को मिलते हैं, सूखापन। तो ये भी एक तरीके से क्या है कि ये नेचुरल फेनोमेना नहीं है, कभी अमेजन रेन फॉरेस्ट में सूखा नहीं आता था लेकिन अब आने लगा है। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है सब। दूसरा क्या है आपका, आर्कटिक सी आइस मैसिव लॉसेस। तो आर्कटिक में जो आइस हैं जितने भी वो पिघल रहे हैं, ठीक है, मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये भी एक कंसर्न है। तीसरा क्या है, अटलांटिक सर्कुलेशन एज स्लो डाउन सिंस 1950। ये जो आर्कटिक स्लो डाउन है, यहाँ पर जो करेंट, जो वाटर करेंट जो बहते हैं, ठीक है, वो स्लो डाउन हो गए सिंस 1950 से, स्लो डाउन ही होते चले आ रहे हैं तब से। और क्या है, फोर है बोरियल फॉरेस्ट इंक्रीज इन फायर्स। आपने देखा होगा कि हाल ही में कनाडा के जंगल में कितनी आग लगी थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी। तो उसी तरह से फोर आपका है बोरियल फॉरेस्ट जो कि यहाँ पे है, वहाँ पे क्या फ्रीक्वेंट जो फायर्स देखे जा रहे हैं। पांचवा आपका है कोरल रिफ मैसिव डायऑफ्स, कोरल रिफ्स काफ़ी मर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक कंसर्न है। सिक्स क्या है, ग्रीनलैंड आइस शीट आइस लॉस एक्सलरेटिंग। ये जो ग्रीनलैंड है यहाँ का आइस क्या हो रहा है, एक्चुअली बहुत ही लॉस हो रहा है, ये भी एक कंसर्न है। सेवन क्या है आपका, परमा फ्रॉस्ट मेल्टिंग। यहाँ पे जो परमा फ्रॉस्ट है वो काफ़ी मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। एट आपका क्या है, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट आइस लॉस एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो आइस लॉस एक्सेलरेट हो रहा है कहाँ पे, वेस्ट अंटार्कटिक में। हमने कहाँ कहाँ देखा आइस लॉस, ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड में, ठीक है, ग्रीनलैंड में आपका आइस लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर नंबर एट में यहाँ पे भी वेस्ट अंटार्कटिक में, फिर आपका आर्कटिक सी आइस जो दो नंबर है यहाँ भी आपका आइस लॉस हो रहा है, और लास्ट आपका नाइन है
विल्कंस बेसिन ईस्ट अंटार्कटिका आइस लॉस एक्सेलरेटिंग। यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपका आइस लॉस हो रहा है। तो ये सारे जो नौ हैं ये सब आपके टिपिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर किसी ईयर के बाद अगर कुछ ज़्यादा ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग करने लगें तो यहाँ पे कुछ एब्रप्ट चेंज ऐसा दिखने लगेगा कि फिर उसको रीस्टोर करना बहुत ही मुश्किल है, तो वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में। तो देखिए एक्चुअली क्या हो क्यों रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ सेटेलाइट इमेजेस साइंटिस्ट ऑब्जर्व ब्रेकअप ऑफ कॉन्गर आइस शेल्फ इन ईस्टर्न अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ पे जो आइस हैं, ठीक है, ईस्टर्न अंटार्कटिका में, यहाँ पे भी वहाँ पे क्या हो रहा है कि आइस बहुत जल्दी से पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसका रीज़न क्या है, वही चीज़ लिखा हुआ, राइजिंग टेम्परेचर विथ बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल सींग वार्मर देन एवरेज टेम्परेचर डिस्पाइट अपोजिंग सीजन। यहाँ तक जो अपोजिंग सीजन होने की वजह से, जबकि यहाँ पे 6 महीना पूरा धूप होता है, 6 महीना पूरा रात, सेम इसी तरह यहाँ भी होता है, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ पे आइस क्या है, बहुत फास्टली मेल्ट कर रहा है। और क्या, रिसर्चर ने ये भी बोला है कि रिसर्च हाईलाइट दैट अंटार्कटिका इज अप्रोचिंग अ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट बाय 2060। 2060 तक यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जिस फास्ट से हो रहा है, यहाँ पे क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का जो ईयर है 2060, अगर 2060 तक हम अपने आप को क्लाइमेट चेंज होने से ना रोकें, ग्लोबल वार्मिंग होने से ना रोकें, यहाँ पे आइस जो मेल्ट हो रहा है इतने फास्ट से मेल्ट हो रहा है, और अगर हम लोग उसको ना रोकें तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ का आइस 2060 के बाद इतनी फास्ट तरीके से मेल्ट होने लगे कि हमारा ओशियन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। मतलब इसके बहुत ही जो एब्रप्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, इसके प्रति हम लोग को कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स, मैंने आपको बताया कि ग्लोबली टोटल 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग द आर्कटिक आइस शीट। नेक्स्ट आपका है ग्रीन वॉशिंग, ये भी न्यूज में है। ग्रीन वॉशिंग क्या है, ग्रीन वॉशिंग एक्चुअली क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्टी गवर्नर कॉल फॉर टैक्सोनॉमी ऑन ग्रीन फाइनेंस टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग एक्चुअली बहुत तरह का होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का पहले मतलब समझिए, ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि प्रैक्टिस ऑफ मिसलीडिंग जनरल पब्लिक इनटू बिलीविंग दैट कंपनीज सॉवरेंस और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन आर डूइंग मोर फॉर द एनवायरनमेंट देन दे आर एक्चुअली आर। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, इलेक्शन में क्या होता है, नेता लोग कि हाँ हम आपके लिए कर देंगे फ्रीबीज जिसको बोलते हैं, तो वो तो पॉलिटिकली हो गया, ठीक है। बट अगर कोई भी कंपनी या फिर सॉवरेन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई सिविक बॉडी अगर ये बोलता है कि हम इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, आर डूइंग मोर फॉर द इन्वायरमेंट देन दे एक्चुअली आर, जितना वो एक्चुअली कर रहे हैं, ठीक है, जितना वो एक्चुअली बोल रहे हैं उससे बहुत ही कम कर रहे हैं। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट लाया कि हम ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट लाएंगे। इसके तहत क्या है कि वो ग्रीन फाइनेंस करेंगे, वो जितने भी कंपनी हैं, ठीक है, उस उन पे क्या करेंगे, कंपनी पे क्या हो टैक्स लगाएंगे, ठीक है, उस टैक्स के तहत क्या होगा कि वो ग्रीन फाइनेंस के तहत उनको टैक्स लगाया जाएगा ताकि वो ग्रीन वॉशिंग ना कर सकें। अगर वो ग्रीन वॉशिंग करेंगे भी तो भी सरकार पे इसका बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्लाइमेट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ग्रीन फाइनेंस को लाया गया है, ठीक है, टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग। झूठ बोलते हैं कि हम इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली करते नहीं हैं, तो इसलिए हम पहले से ही उन पर टैक्स लगा देंगे, तो क्या होगा कि वो करे या ना करे उसे कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या होगा कि मे इन्वॉल्व मेकिंग अ प्रोडक्ट और पॉलिसी सी मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली और लेस डैमेजिंग देन इट इज इन रियलिटी। अब क्या किया जाएगा कि अब पॉलिसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा, जो प्रोडक्ट जो हमारे मैन्युफैक्चर होगा हमारी कंट्री में वैसा किया जाएगा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उनका उसका रिसाइकल आसानी से हो सके। अब बहुत तरह का ग्रीन वॉशिंग होता है, ठीक है, तो देखिए ग्रीन वॉशिंग कितने तरह के होते हैं, फॉर्म्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग। पहला है वेगनेस, इसमें क्या है कि बींग पर्पसली नॉन स्पेसिफिक अबाउट ऑपरेशन और मटेरियल्स, ठीक है, जानबूझ के किसी भी मटेरियल को इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना बनाना, एक तो वो है। लेस एविल्स, अप्लाइंग अ डू गुड्स लेबल टू एन इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली प्रोडक्ट, क्या है कि कोई प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है फिर भी हम क्या करते हैं कि इसमें लेबल लगा देते हैं, ग्रीन लगा देते हैं। ऐसे देखा होगा आपने बहुत सारे पैकेट में इस तरह स्क्वायर करके बीच में ग्रीन पॉइंट होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली या फिर वेजिटेरियन बताने के, खैर इसका तो वेजिटेरियन बताने के लिए होता है लेकिन उसमें कभी कभी लेबल लगा होता है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है,
हम लोग उसमें लेबल लगा देते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बिल्कुल, लेकिन होता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेसेविल्स, इरेलेवेंस। इसमें क्या, क्लेमिंग टू अवॉइड यूजिंग अ मटेरियल और प्रैक्टिस दैट इज ऑलरेडी इलीगल और अनस्टैंडर्ड, जो कि ऑलरेडी अनस्टैंडर्ड इलीगल है, ठीक है, उस पर भी हम क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि ये बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये तो बिल्कुल रिलेवेंट सी बात है। और क्या है, हिडन ट्रेड ऑफ, सजेस्टिंग अ प्रोडक्ट इज ग्रीन बेस्ड ऑन ए सिंगल इन्वायरमेंट एट्रीब्यूट। आप प्रोडक्ट को क्या बता रहे हैं, ग्रीन, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं, नो प्रूफ मेकिंग एन इन्वायरमेंट क्लेम दैट कांट बी सब्सटेंशिएटेड। इसका कोई प्रूफ नहीं है यार, आप ज़बरदस्ती बता रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। लास्ट क्या है, फिबिंग। फिबिंग क्या, मेक इन्वायरमेंट क्लेम्स दैट आर सिंपली फॉल्स, जो सुनने में ही लग रहा है कि ये झूठ है और आप क्लेम कर रहे हैं बार बार कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इन सब तरीकों से एक्चुअली क्या करते हैं कंपनियाँ, कोई कंपनियाँ फिबिंग करती है, कोई नो प्रूफ, कोई हिडन ट्रेड ऑफ, कोई वेगनेस, कोई लेस सेविल्स, कोई रिलेवेंस तरीके से, तो वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट क्लेम करते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमारा प्रोडक्ट है। तो इस तरह से कंपनियाँ क्या करते हैं, बेसिकली ग्रीन वॉशिंग करते हैं, इसी को हम लोग ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। तो सरकार इससे बचने के लिए, ग्रीन वॉशिंग से बचने के लिए वो क्या करेगी, एक टैक्स लगाएगी, ठीक है, जिसको बोलेंगे ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन वॉशिंग से बचने के लिए RBI ग्रीन फाइनेंस लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट जो है वो एक कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व एक्चुअली क्या है, CO2 का मेजरमेंट होता है, कहाँ पे होता है, देखिए, CO2 लेवल्स मेजर्ड एट माउना लेवा एटमोस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MLA BWO हवाई, रन बाय US नेशनल ओशियानिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, आर नाउ कंपेरेबल टू व्हाट दे आर 4 मिलियन ईयर्स अगो। क्या है कि एक ऑब्जर्वेटरी है, कहाँ पे है, माउना लोया, जो लोवा एटमोसफेयर की बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी है, कहाँ पे, हवाई में है, हवाई आइलैंड आपको पता होगा US में है, वहाँ पे क्या है कि US नेशनल ओशियानिक एंड एटमोसफेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डेली वहाँ पे CO2 लेवल को नापा जाता है, ठीक है, कि आज CO2 का लेवल क्या है, ठीक है, कल क्या था, इस तरह से। तो इस ऑब्जर्वेटरी में क्या है कि साइट फॉर डेली रिकॉर्ड ऑफ ग्लोबल एटमोस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन सिंस 1958 अंडर कीलिंग कर्व। ये देखिए कीलिंग कर्व है, ये दिख रहा है आपको, ये जो कर्व है, ये कर्व क्या बढ़ते जा रहा है, जैसे क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है एटमोसफेयर में वो बढ़ते जा रहा है। 1960 में यहाँ था, ठीक है, 1970 में यहाँ था, 1980 में यहाँ था, 1990 में यहाँ, 2000 में यहाँ, 2010 में यहाँ, 2020 में यहाँ, 2030 आने वाले समय में बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसी कर्व को क्या बोलते हैं, कीलिंग कर्व। ये बेसिकली CO2 को डिपिक्ट करता है कि इन्वायरमेंट में कितना CO2 का कंसंट्रेशन है। इसको कौन रिकॉर्ड करता है, तो माउना लेवा लोवा एटमोस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी, किसके द्वारा है, नेशनल ओशियानिक एटमोसफेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि US का है, हवाई आइलैंड में, ठीक। इसमें और भी बहुत सारे गैस को मेजर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, जो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, तो इनको मेजर किया जाता है। कीलिंग कर्व इसका नाम क्यों पड़ा, तो नेम्ड आफ्टर डॉक्टर चार्ल्स डेविड कीलिंग, लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड ऑफ एटमोस्फेरिक CO2 इन द वर्ल्ड। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करने का सबसे, जो अन इंटरप्टेड लंबे समय तक इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिकॉर्ड किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट एंड इंडाइसेस, इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग एयर पॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हमारा एनवायरनमेंट में ये लास्ट टॉपिक है। रिपोर्ट एंड इंडाइसेस 2022 में कौन कौन से रिपोर्ट आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा लाया गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है, जो बेसिकली वर्ल्ड का क्लाइमेट कैसा है उसको देखती है, और उसके बिहाफ पे जितने भी गवर्नमेंट है उनको एडवाइस करती है कि आप क्लाइमेट के लिए क्या कर सकते हैं, ये क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को किसको रिलीज़ किया गया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया था। इसमें क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर, ओशियन हीट, ओशियन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, सी आइस ग्लेशियर्स एंड एक्सट्रीम वेदर को ये मेजर करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स द IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट, इन्होंने क्या किया कि IPCC का जो सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट है उनको भी ये कॉम्प्लीमेंट किया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि IPCC का 3 रिपोर्ट आया था, जो हाल ही में तीसरा रिपोर्ट आया है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया आपको कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एक स्पेशलाइज एजेंसी UN का, ठीक है, जो कब बना था,
50 में, 1950 में इसका इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच डेट्स बैक टू 1873। 1873 में इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था जब ब्रिटिश के अंदर था, ठीक है, लेकिन 1950 में इसका नाम चेंज कर दिया गया जब यूएन का गठन हुआ, उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम दिया गया 1950 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेडिकेटेड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, इट्स इंट्रैक्शन विद द लैंड एंड ओशियंस, द वेदर एंड क्लाइमेट प्रोड्यूसेस एंड द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एक्चुअली वाटर, लैंड, इन्वायरमेंट, एयर, सारे चीज़ों पे कंसर्न रख के ये एक्चुअली इनको ऑब्जर्व करते हैं कैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, हमारा ओशियन कैसे डिग्रेड हो रहा है, लैंड कैसे डिग्रेड हो रहा है, और उसी बिहाफ पे ये हर गवर्नमेंट को ये एडवाइस देते हैं। इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं। इसका जो सुप्रीम बॉडी है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस, एक यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग, की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की, देखिए, ग्लोबल मीन सी लेवल रिस्ट अ न्यू रिकॉर्ड हाई इन 2021, राइजिंग एन एवरेज ऑफ 4.5 मिलीमीटर पर ईयर ओवर द पीरियड 2013 से 2021। 2013 से 2021 तक अगर देखा जाए तो ओशियन का जो लेवल है वो 4.5 मिलीमीटर राइज कर चुका है, ठीक है। अगर इसी तरह से होते रहा तो एक दिन पूरा विश्व क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अगर इसी तरह से लेवल बढ़ते रहा, आइस मेल्ट होते रहा, ग्लोबल वार्मिंग होते रहा, तो आइस मेल्ट कर रहा है, राइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा, आखिर में वो जो पानी कहाँ आता है, ओशियन में आता है, और उस तरह से ओशियन का जो लेवल है वो राइज होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कैसे रोकना है इसके प्रति हम लोग कंसर्न होना पड़ेगा। और क्या है इस रिपोर्ट में, सी लेवल्स अलोंग ऑलमोस्ट द इंटायर इंडियन कोस्ट राइजिंग फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। तो इंडिया के लिए कंसर्न है कि जितना ग्लोबल एवरेज है, जिस तरह से दुनिया के हर जगह में ओशियन राइज हो रहा है, ओशियन लेवल, इंडिया के कोस्ट में कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है। और क्या है, कंट्रीज विद द हाइस्ट नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स, चाइना, वियतनाम, फिलीपाइंस। चाइना, वियतनाम और फिलीपाइंस में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके कारण लोगों का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है। दूसरा क्या है, ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड, ये भी आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला गया है। इसमें क्या है, अ परमानेंट ग्लोबल सिस्टम फॉर ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ मरीन एंड ओशियन डेटा। इसमें बेसिकली क्या है कि खास करके मरीन और ओशियन डेटा को निकाला जाता है कि एक्चुअली मरीन एक्वाटिक एनिमल्स है उनकी स्थिति क्या है, ठीक है, ओशियन का क्या स्थिति है, तो उसके बारे में एक्चुअली ये रिपोर्ट निकालते हैं। इसमें क्या किया गया है कि हाईलाइटेड बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आइडेंटिफाइज गैप इन सिस्टम, पॉइंटेड एट इनइक्वालिटी इन ऑपरेशनल सर्विसेज अक्रॉस ओशियंस लाइक इंडियन, अटलांटिक एंड सदर्न ओशियन। इन्होंने खास करके इंडियन, अटलांटिक और सदर्न ओशियन के बारे में हाईलाइट किया कि किस तरह से इंडियन ओशियन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, या फिर अटलांटिक और सदर्न ओशियन किस तरह से एसिडिफिकेशन हो रहा है, सी लेवल कैसे राइज कर रहा है, ठीक है, उनके बारे में ये खास करके हाईलाइट किए हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ये भी आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट में, कि एटमॉस्फेरिक लेवल्स ऑफ थ्री मेन ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, रिस्ट न्यू रिकॉर्ड हाई इन 2021। अगर 2021 में देखा जाए तो तीन जो मेन हमारे ग्रीन हाउस गैस हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं, इनका जो कंसनट्रेशन है एटमोसफेयर में बिल्कुल ही बढ़ता जा रहा है। एमिशंस विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 10.6% बाय 2030 फ्रॉम 2010 लेवल। 2010 में जितना था उससे 10.6% और बढ़ जाएगा 2030 तक, अगर हम लोग इसी तरह से ग्रीन हाउस गैस को एमिट करते रहें। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज हुआ है। इन्होंने क्या बोला है कि बाय 2030 ओवर 160 to 200 मिलियन पीपल अक्रॉस इंडिया कुड बी एक्सपोज टू लिथल हीट वेव्स एनुअली। अभी भी आप देख रहे होंगे कि ठंडा अभी कुछ दिन पहले गया है, अभी गर्मी अचानक से आ गई, ऐसा पहले होता नहीं था। पहले क्या होता था कि पहले ठंडा रहता था, फिर क्या एक ट्रांजिशन पीरियड होता था, उसके बाद फिर गर्मी आता था, लेकिन अभी अचानक से ठंड गई और एक सप्ताह के अंदर गर्मी आ गई, तो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब सारी चीज़ें हो रही है। तो इनका क्या कहना है कि 2030 तक
160 से 200 मिलियन पीपुल, मतलब 16 करोड़ से लेके 16 से 20 करोड़ तक, 20 करोड़ लोग इससे एक्सपोज होंगे लीथल हीट वेव से, जो गर्म लू जिसको हम लोग नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, इनका प्रभाव 16 से 20 करोड़ लोग को पड़ेगा 2030 तक, अगर इसी तरह से हम लोग ग्रीन हाउस गैस क्लाइमेट चेंज वगैरह होती रहा तो। और क्या है, बाय 2030 अराउंड 34 मिलियन पीपल विल फेस जॉब लॉसेज ड्यू टू हीट स्ट्रेस रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। क्या कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको हीट बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, तो वो उनके लिए वो क्या करेंगे, जो हीट जगह है जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई दिल्ली हो गया, तो उन जगहों पे वो जॉब करना चाहेंगे नहीं, तो उसकी फिर हमारा क्या होगा, कंट्री का प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगा। तो ऐसे 34 मिलियन लोग हैं जो 2030 तक जॉब लॉस, जिनका जॉब लॉस होगा, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, बाय 2037 डिमांड फॉर कूलिंग इज लाइकली टू बी 8 टाइम्स मोर देन करेंट लेवल, लीडिंग टू एन एक्सपेक्टेड राइज ऑफ 435% इन एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स। देखिए ये ना एक साइकिल है, ठीक है, आप क्लाइमेट, आप क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर रहे हैं ज़्यादा, फिर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर आप एसी को यूज़ करना चाहेंगे, फिर एसी में भी क्या होता है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस ही यूज होता है, फिर वो ग्रीन हाउस, मतलब ये पूरा एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि एक्चुअली हम लोग को एसी को यूज़ करना कम चाहिए, एसी को नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि धीरे धीरे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। नेक्स्ट जो आपका रिपोर्ट है वो है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एन एक्शन फॉर एजेंडा, ये भी आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें क्या है बेसिकली कि कंपाइल्स एंड हार्मोनाइज रिजल्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। इन्होंने इसमें क्या बताया है, न्यू कोर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स दैट इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट कंसेंट्रेशन कवर्स 24 कंट्रीज दैट अकाउंट फॉर 34% ऑफ द वर्ल्ड जीएजी एमिशन। एक्चुअली क्या है, कुछ कंट्रीज़ का ये डेटा निकालते हैं कि कौन कौन से कंट्री ग्रीन हाउस गैस को एमिट करते हैं, जो बेसिकली 24 कंट्रीज़ का निकालते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में 34% कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को। नेक्स्ट आपका है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट, ये UNFCCC के द्वारा किया गया है, ये सेकेंड सच रिपोर्ट है, दूसरा रिपोर्ट है ऐसा, ये एक एनुअल समरी है ऑफ क्लाइमेट कमिटमेंट मेड बाय द कंट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन जीएचजी एमिशन। ये एक्चुअली क्या करते हैं कि रिपोर्ट निकालते हैं कि जितने भी कंट्री जो प्लेज करते हैं कि हम इतना क्लाइमेट चेंज को होने से रुकेंगे, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को इतना कम होने से, हम ग्रीन हाउस गैस को इतना कम होने से रोकेंगे, तो एक्चुअली वो समरी निकालते हैं किस देश ने एक साल में क्या क्या क्लाइमेट चेंज की तरफ से किया, ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए किसी कंट्री ने क्या क्या एक साल में एफर्ट लगाया, उसके बारे में रिपोर्ट निकालते हैं, ये एनुअल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। एनालाइज एनडीसीज ऑफ 193 पार्टी टू द पेरिस एग्रीमेंट इंक्लूडिंग 24 अपडेटेड और न्यू एनडीसीज सबमिटेड आफ्टर COP26, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं कि जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है 193 कंट्रीज़ का, जो उन्होंने डिटरमाइंड किया कि हम ये कंट्रीब्यूट करें क्लाइमेट चेंज की तरफ से, तो वो एनालाइज करते हैं किस कंट्री ने क्या किया। इस रिपोर्ट में क्या बोला है कि हाईलाइट इस रिपोर्ट की क्या है कि क्यूमुलेटिव CO2 एमिशन इन 2020-30 इज लाइकली यूज अप 86% ऑफ द रिमेनिंग कार्बन बजट। हमारा जो कार्बन बजट है, रिमेनिंग कार्बन बजट है, उसका 86% अभाव होने की बात कही गई है 2030 तक। और क्या है, कंबाइंड क्लाइमेट प्लेजेस कुड पुट द वर्ल्ड ऑन ट्रैक ऑफ अबाउट 2.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर राइज बाय 2100 फ्रॉम ए पॉसिबल रेंज ऑफ 2.1 to 2.9। अगर इसी तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा करते रहें तो ऐसा हो सकता है कि जो 2100 आने वाला है ईयर, 2100 ईयर जो आने वाला है, वहाँ तब तक हम लोग का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। अभी हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस को अप्रोच करने वाले हैं, इसी तरह से बढ़ते रहा तो हम लोग 2 डिग्री 2.5 डिग्री भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिंग इन कार्बन न्यूट्रलिटी यूटोपिया और न्यू ग्रीन वेव। हम लोग ये इन्वेस्ट कर रहे हैं कार्बन न्यूट्रलिटी में कि हम नेट जीरो कर दें कार्बन को, जैसे कि इंडिया का भी अचीवमेंट है, अचीवमेंट नहीं मतलब इंडिया का जो कमिटमेंट है कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली सही है या फिर एक ग्रीन वेव है या फिर एक झूठ है, ये किनके द्वारा निकाला गया है, ये रिलीज किया गया रिपोर्ट, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FAO बोलते हैं एंड यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या बोला गया, कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो का क्या मतलब है कि CO2 एमिशंस
एंथ्रोपोजेनिक सी ओ टू एमिशन बैलेंस्ड ग्लोबली बाय एंथ्रोपोजेनिक सी ओ टू रिमूवल्स ओवर स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि मैंने आपको बार बार बताया है कि जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो उतना ही सिक्वेस्ट्रेट कर रहे हैं अगर आप, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट आपका है स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, ये बेसिकली रिलीज़ किया गया है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, एक इंडिपेंडेंट एनालिटिक ग्रुप है, उनके द्वारा रिलीज़ किया है कंप्राइजिंग क्लाइमेट एनालिटिक्स एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट बट एंड द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चेंज चैंपियंस वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड अदर्स, मतलब इन तीनों ने मिलकर क्या क्या रिपोर्ट बनाया है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2022। ये इस रिपोर्ट में एक्चुअली प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल गैप इन क्लाइमेट एक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड हाईएस्ट एमिटिंग सिस्टम। ये बेसिकली क्या है कि ये एसेस करते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट एक्शन में क्या क्या गैप है, किस कंट्री के कौन सी कंट्री कितना क्लाइमेट के लिए कर रही है, कौन सी कंट्री ज़्यादा कौन सी कम कर रही है, तो उसी की एक्चुअली क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आई थिंक तीन चार पॉइंट और हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, ये क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी के द्वारा निकाला गया, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ ए ग्लोबल पार्टनरशिप विथ अ शेयर्ड मिशन टू विद अ शेयर्ड मिशन टू स्टिमुलेट अ रेस टू द टॉप इन क्लाइमेट चेंज एक्शन इन G20 कंट्रीज थ्रू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। इस रिपोर्ट में क्या बोला है कि G20 मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 3/4 ऑफ ग्लोबल एमिशन, जितना ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है उसमें से जो 3/4 है वो मात्र G20 कंट्रीज ही कंट्रीब्यूट करते हैं। 6 G20 कंट्री जो कि इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया डिड नॉट साइन द ग्लोबल मिथेन प्लेज। आपको मैंने पिछले में बताया था पिछले वीडियो में कि इंडिया ने ग्लोबल मिथेन प्लेज को नहीं साइन किया है, क्योंकि मिथेन का एमिशन इंडिया से बहुत ज़्यादा होता है। अगर ग्लोबल मिथेन प्लेज में इंडिया अगर साइन कर देगा तो इनको भी मिथेन का जो एमिशन है उसको रोकना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा है और लाइव स्टॉक से ही मिथेन बनता है। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट है ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये सबसे पहले इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 2001 में हुआ था। GCP शेयर पार्टनरशिप बिटवीन इंटरनेशनल जियोस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम एंड डाइवर्सिटस पार्टनरशिप ऑफ इंटर गवर्नमेंटल एनजीओ इंटर, बेसिकली बहुत सारे बॉडीज़ क्या हैं मिल के एक ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट बनाए हैं। ठीक है, इनका एम क्या है, टू डेवलप कंप्लीट पिक्चर ऑफ ग्लोबल कार्बन कार्बन साइकिल, कि हमारा कार्बन का एमिशन कैसा हो रहा है, कितना ज़्यादा एमिट हो रहा है, कितना ज़्यादा हम लोग सिंक कर रहे हैं, तो जो कार्बन साइकिल है उसको उसका ये रिपोर्ट निकालते हैं। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, ग्लोबल CO2 कंसंट्रेशन सेट न्यू रिकॉर्ड, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, आप देख रहे हो कि हर रिपोर्ट में एक ही चीज़ बार बार ऐसा हो रहा है कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड का रिपोर्ट निकालो, कोई मीथेन का रिपोर्ट निकालो, तो अब हर चीज़ आप याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, आपको दिमाग में आपको बस थोड़ा सा एक पिक्चर रखना है कि हाँ इसमें ये रिपोर्ट में ये बोला गया था। ठीक है, आपको उतनी चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे आप। और क्या है, एटमोसफेयरिक CO2 कंसनट्रेशन आर नाउ 51% अबाउ प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उसके पहले जितना कार्बन था, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में था, उससे 51% बढ़ चुका है। प्रोजेक्टेड CO2 एमिशंस डिक्रीज इन चाइना एंड यूरोपियन यूनियन बट इंक्रीज इन US, इंडिया 6% एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना और यूरोप में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, लेकिन US, इंडिया में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, ये रिलीज़ किया गया आपका जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जर्मनी की एक्चुअली एजेंसी है। ये क्या करती है कि इवैल्यूएट्स 59 कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग इंडिया, ये 59 कंट्रीज़ को एक्चुअली इवैल्यूएट करती है कि उनका जो क्लाइमेट चेंज के प्रति क्या परफॉर्मेंस है। लुक एट 4 कैटेगरीज, ये क्या क्या इवेल्युएट करती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। ऑल्सो ट्रैक्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट बाय वेरियस कंट्रीज, कौन सी कंट्री पेरिस एग्रीमेंट के प्रति क्या कर रही है या फिर नहीं कर रही है, उसके बारे में एक्चुअली इवेल्युएट करते हैं। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि फर्स्ट 3 प्लेसेस लेफ्ट एम्प्टी एज नो कंट्री परफॉर्म्ड वेल एनफ इन ऑल इंडेक्स कैटेगरीज। तो इनका जो इंडेक्स था, मान लीजिए इंडेक्स है, ठीक है, तो सारे कंट्रीज़ का नाम होगा। बेसिकली क्या करते हैं कि ट्रैक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि कौन सी कंट्री पेरिस एग्रीमेंट
कि प्रति सच में काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। इनके की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट में? फर्स्ट थ्री प्लेसेस लेफ्ट एम्प्टी एज नो कंट्री परफॉर्म वेल इन ऑल इंडेक्स कैटेगरी। तो ये शो करने के लिए किसी भी कंट्री ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो इन्होंने अपना जो इंडेक्स है तो फर्स्ट थ्री इंडेक्स को खाली कर दिया। जैसे इनका एक इंडेक्स होगा, इस तरह से बनाएंगे कौन सी कंट्री, जो कंट्री सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 1 नंबर 2 नंबर 3 4, इस तरह से होगा। लेकिन उन्होंने क्या है कि फर्स्ट 2 3 को एम्प्टी रख दिया, क्योंकि इनका कहना है कि किसी भी कंट्री ने इस कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो ये एक्चुअली सारे देश के लिए शर्म की बात हुई है कि वो पेरिस एग्रीमेंट के तहत या फिर इतने सारे ट्रीटी कॉन्फ्रेंसेज जो उसके तहत वो उसके अनुरूप वो काम नहीं कर रहे। फोर्थ और क्या है इसमें कि डेनमार्क रैंक्ड फोर्थ, फर्स्ट थ्री तो खाली है, फोर्थ में आपका कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क ने सबसे अच्छा काम किया। इंडिया रैंक्ड 8th, रोज 2 स्पॉट्स। पहले 10th में था इंडिया, अब क्या है 2 स्टेप बढ़ के 8th में अब इंडिया आ गया। मतलब इंडिया भी काफ़ी अच्छा कर रहा है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपका है कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट 2021-22। ये किसका? ये सेक्रेटरीट ऑफ कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये क्या है? एक्चुअली वॉलेंट्री इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स टुगेदर लीडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड एकेडमिया टू इन्हेंस ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्बन प्राइसिंग एज ए टूल फॉर एक्सेलरेटिंग एंड फाइनेंसिंग इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन। ये बेसिकली क्या है कि कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन का वॉलेंट्री इनिशिएटिव है, जो सारे गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, एकेडमी को टुगेदर बुलाते हैं, ठीक है, और क्लाइमेट एक्शन के लिए फाइनेंस और फिर जो भी सुविधा इसमें किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वो बेसिकली उसके लिए प्रयास करते हैं। प्रिपेयर टू रिव्यू गोल डेवलपमेंट इन कार्बन प्राइसिंग, इम्प्लीकेशन फॉर कार्बन मार्केट ग्रोथ एंड ब्रॉडर लिमिटेशन टू कार्बन प्राइसिंग पोटेंशियल। इसमें की फाइंडिंग्स क्या इस रिपोर्ट में? लेस देन 4% ऑफ ग्लोबल एमिशंस आर करेंटली कवर्ड बाय कार्बन प्राइस विद इन द रेंज नीडेड बाय 2030 मीट द पेरिस एग्रीमेंट टेम्परेचर गोल, जो कि ओनली 4% जो कि बहुत कम है। नेक्स्ट आपका क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स रिपोर्ट, ये यूनेस्को और IUCN दोनों के द्वारा रिलीज़ किया गया। इसमें क्या कहा गया इस रिपोर्ट में कि 1/3 ऑफ ग्लेशियर्स अमंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विल डिसअपियर बाय 2050। अगर इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग होते रहा तो 2050 तक जितने भी ग्लोबल वर्ल्ड हेरिटेज जितने भी साइट्स हैं वो 2050 तक सारे डिसअपियर हो जाएंगे। ग्लेशियर्स आइडेंटिफाइड इन 50 साइट्स ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। ऐसे 50 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया यूनेस्को के अंदर, जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उसमें 50 साइट को आइडेंटिफाई किया गया है, जो 1/3 ग्लेशियर उनका पिघल के ख़त्म हो जाएगा 2050 तक, इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग होते रहा था। लास्ट आपका है फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक इसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट क्लाइमेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, इसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। ग्रुप वॉज लॉन्च्ड इन 2021 बाय COP26 एंड COP27 प्रेसिडेंसीज एंड यूएन क्लाइमेट चेंज फॉर हाई लेवल चैंपियंस। इनका स्टेटस क्या है कि 90% ऑफ टोटल CF इज टारगेटिंग मिटिगेशन एक्टिविटीज़। तो 90% जो टोटल क्लाइमेट फाइनेंस है इज टारगेटिंग मिटिगेशन एक्टिविटीज़, जितना भी क्लाइमेट फाइनेंस हो रहा है उसका 90% यूज़ किस में हो रहा है कि हम क्लाइमेट चेंज को किस तरह से रोकें, उसके लिए यूज़ हो रहा है। मोस्ट क्लाइमेट फाइनेंस वेयर रेस्ट एज डेट ऑफ विच ओनली 60% वॉज लो कॉस्ट। जो मोस्टली जो क्लाइमेट फाइनेंस हो रहा है वो डेट से रेज हो रहा है। मोस्ट फाइनेंसिंग रिमेन्स इन इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन, जितने भी क्लाइमेट फाइनेंस हो रहे हैं एक्चुअली उनके कंट्री में ही रह जा रहा है, दूसरे जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री उनको दिया नहीं जा रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज एक्सेप्ट चाइना विल नीड 2 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2030। 2030 तक चाइना को अगर छोड़ दिया जाए तो $2 ट्रिलियन पर ईयर की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका पॉल्यूशन, जिसमें सबसे फर्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।